वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। और आज की जो वीडियो है ये है भालूखड़ वाटरफॉल की, जो मुक्तेश्वर से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। पहुंचने में आपको लगभग 30 मिनट से 45 मिनट का समय लग जाएगा। फिलहाल मैं हूँ अभी मुक्तेश्वर में और मैं निकल रहा हूँ भीमताल की ओर। प्लान ये है कि शाम तक हम भीमताल पहुँचेंगे और मिड वे में हम भालूखड़ वाटरफॉल भी जो विज़िट करते हुए भीमताल की ओर जाएंगे। तो भालूखड़ के वाटरफॉल के पॉइंट पर पहुँच गए, गाड़ी मैंने पीछे लगा दिया और आगे थोड़ी दूर पे आपका भालूखड़ वाटरफॉल का एंट्री है। वैसे गूगल पे से भी आप पहुंच सकते हो, वैसे भी साइन बोर्ड यहाँ पे बने हुए हैं। पार्किंग अलग से है पर पार्किंग की ज़रूरत नहीं है, रास्ते के साइड में काफ़ी जगह बची है। वो सामने एक प्राइवेट पार्किंग है, यहाँ आप चाहो आपकी इच्छा तो आप लगा सकते हो, पेड पार्किंग है वो। तो भाई ये एंट्री है भालूखड़ वाटरफॉल की। मेरे ख्याल से टिकट है यहाँ पे, प्रवेश शुल्क कितने का? अभी टिकट 50 पर हेड सर। पहले 30 का था ना? पहले सर 20 का भी हुआ करता था। अच्छा, अगर पहले आप आए हुए तो आपको अंदर डेवलपमेंट दिखेगा। अच्छा, रश है अभी बहुत? बहुत मतलब ठीक है सर, इतना तो नॉर्मल रहता है, होना भी चाहिए। चलो भाई, भालूखड़ वाटरफॉल के गेट से अब इंटर कर चुके हैं। यहाँ से थोड़ा सा ट्रैक है, लगभग 1.5 किलोमीटर का है जो बता रहे हैं यहाँ पे। तो 1.5 किलोमीटर के ट्रैक के बाद हम पहुँचेंगे भालूखड़। वैसे रास्ता भी बड़ा सीनिक है, खूबसूरत है, ठंडी हवाएं चल रही हैं, अच्छा लग रहा है। तो रास्ते में 2-3 कैफ़ेज़ हैं और यहाँ से हमें थोड़ा सा स्टीप रास्ता आगे की ओर जाना होगा। वाटरफॉल का पानी जो है लेफ्ट साइड में बह रहा है, नीचे दिखाते हैं आपको। चलते हैं वाटरफॉल की ओर जो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। कुछ लोग वाटरफॉल तक भी, हो देखिए चेयर लगा के बैठे हैं, अच्छा व्यू है यार। एक मैं कुछ सालों पहले जब मैं देहरादून गया था, वहाँ पे एक रॉबर्स केव है जहाँ पे वाटरफॉल तो नहीं है पर एक केव है जहाँ पे मतलब आराम से पैर पानी में डाल के बैठ सकते हो, रिवर्स स्टीम जैसा है, ज़्यादा पानी आती नहीं है कभी भी वहाँ पे। काफ़ी अच्छा था, लगभग कुछ वैसी सी दिख रही है जगह, देखिए काफ़ी खूबसूरत। अभी नीचे भी चलते हैं। वाटरफॉल लगभग अभी भी 15-20 मिनट और हमें पैदल चलना होगा। ये जो सामने देख रहे हो ये वाटरफॉल नहीं है, ये बारिश के टाइम पे एक झरने टाइप का बना हुआ है। एरिया को पहले काफ़ी डेवलप किया हुआ है क्योंकि एंट्री के टाइम पे जैसे मैंने पूछा था उससे कि भाई 50 क्यों है, क्योंकि मैंने पहले वीडियोज़ में देखा था कि 30 रुपये की फ़ीस थी। तो फीस इंक्रीज हुई है, इसका मतलब कि डेवलपमेंट का काम भी हुआ है, रास्ते पक्के बन गए, ये अच्छी चीज़ है। भाई यहाँ से कितना दूर है? 200 मीटर? 600 600। 600 मीटर अभी और चलना है, ठीक है। मेरे ख्याल से 10 मिनट या 15 मिनट हार्डली लगना चाहिए। वाह ज़बरदस्त, यहाँ पे किसी चीज़ की यार खेती होती है, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली ये क्या उगा हुआ है पर कोई फल है। आगे देखते हैं, अगर कोई लोकल मिलेंगे तो उससे पूछते हैं ये किस चीज़ की खेती हो रही है। बाकी व्यूज़ और आवाज़ से तो लग रहा है कि भाई पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में, फॉल भी दिख जाएगा आप लोगों को। देखो भाई यहाँ पे कैंप भी लग गए, अगर आप चाहते हो यहाँ पे स्टे करने के लिए तो उसका भी ऑप्शन अब यहाँ पे आ गया है, पहले ये ऑप्शन यहाँ पे नहीं था। तो गाइस वाटरफॉल पहुँच चुके हैं, आपको सामने वाटरफॉल का ग्लिम्स दिख रहा होगा। ये लोहे के बने हुए पुल हैं जो अभी बने हैं, उसको क्रॉस करके आप वाटरफॉल तक पहुंच सकते हैं। रश ठीक ठाक है मेरे ख्याल से, 20-25 लोग हैं यहाँ पे ऑलरेडी। पानी का बहुत ही ज़्यादा ठंडा है, मैं उतर नहीं पा रहा हूँ, थोड़ी देर रहेंगे तो एडजस्ट हो जाएंगे, पर इतना साफ़ पानी मैंने किसी भी फॉल में आज तक नहीं देखा, बहुत ही क्लीन है।
जैसे आप देख रहे हो नीचे के पत्थर भी आपको पूरे जो है दिखाई दे रहा है। अब चलिए उस तरफ जो है चलते हैं, वहाँ पे थोड़ा सा पानी का लेवल कम है यहाँ पे, क्योंकि एकदम से पानी का लेवल जो बढ़ रहा है। अभी उस तरफ चलते हैं। देखो पता नहीं आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं, वहाँ छोटा सा एक रेनबो जैसा बना हुआ है, बड़ा ही खूबसूरत वाटरफॉल है, पानी एकदम ग्रीन। अगर आप मुक्तेश्वर आते हो या भीमताल आते हो तो यहाँ ज़रूर आना, अच्छा लगेगा आपको। यहाँ का जो रूट है, ट्रैकिंग रूट है, लगभग आधा घंटा लगता है पहुँचने में ट्रैक करके, पर इतनी थकावट नहीं होती, अच्छी जगह है। सो गाइस वाटरफॉल हम लोग का हो गया, अब दोपहर के 2 बजे। प्लान आगे का ये है कि आगे अब सोच रहे हैं कि भीमताल जाकर रुक जाते हैं, मुक्तेश्वर तो हमने सारा जो कवर कर लिया था, हमारे पास एक दिन का टाइम एक्स्ट्रा है, तो अब यहाँ से निकलेंगे और सीधा भीमताल जाकर रुकेंगे। बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल था यार, मस्ट विजिट प्लेस है। बहुत दिन बाद मैंने एक अच्छा वाटरफॉल देखा, इससे पहले जीबी का वाटरफॉल भी काफ़ी अच्छा था। अगर आपने मेरी जीबी सीरीज़ देखी है उसका लिंक मैं आगे आई बटन पर दे देता हूँ, वहाँ से क्लिक करके जीबी सीरीज़ देख लेना, तो उससे भी खूबसूरत वाटरफॉल यहाँ का। और अच्छी चीज़ ये है कि इसको मेंटेन अच्छे से किया गया, पानी इतना क्लीन है, इतना ग्रीनिश पानी है जो मतलब हर जगह नहीं देखने को मिलती। इससे पहले मैं ऋषिकेश रुका था, वहाँ पे ग्रीनिश पानी मुझे मिला था, और मैं यहाँ ग्रीनिश देख रहा हूँ। बहुत ही अच्छा, नेचर के बीच में आप फैमिली के साथ आके टाइम बिता सकते हो, और रास्ते में कैफ़ेज़ हैं, वो भी इतनी अच्छी लोकेशन पर है, पानी के ठीक बगल में। अभी कैफ़ेज़ की ओर ही जा रहे हैं, थोड़ा भूख लग चुकी है क्योंकि 2 बज चुके हैं, लंच हमने किया नहीं है, तो अब कैफ़ेज़ की ओर ही चलते हैं और लंच करते हैं, उसके बाद आगे निकलते हैं। तो भैया अभी हमें भुट्टा खिला रहे हैं। कितने बजे तक रहते हो भैया आप लोग यहाँ पर? कितने बजे तक रहते हो? 5 बजे तक। तो भाई भुट्टा तो ज़बरदस्त था, बहुत ही अच्छा टेस्ट। अब चलते हैं नीचे, नीचे की ओर, भीमताली पहुँचना है। ओके। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। ओके, चलो चलो भाई चला जाए। तो भले भालूगढ़ वाटरफॉल का सफ़र अभी पे समाप्त होता है, अब मैं जा रहा हूँ अपने नए डेस्टिनेशन भीमताल की ओर। भीमताल पहुंचने में लगभग 1 घंटा लगेगा, 3:45 बज रहे हैं, टू बी प्रिसाइज 2:45 हो रहे हैं, अप्रॉक्सीमेटली 4 बजे तक हमें पहुंच जाना चाहिए। चलो चलते हैं। अभी भालूगढ़ वाटरफॉल से भीमताल की ओर निकले ही थे कि एक छोटा सा रिवर स्ट्रीम और दिखा, तो जहाँ पर रिवर स्ट्रीम दिखता है मैं थोड़ी देर के लिए रुक जाता हूँ, थोड़ा सा नेचर को इन्जॉय करके फिर आगे के लिए निकलते हैं। उस तरफ कुछ आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में, कुछ बत्तख हैं वो तैर रहे हैं, बड़ा ही खूबसूरत लग रहा है नज़ारा। और देखिए अभी इधर आ रहे हैं ये तैरते हुए, हालांकि पानी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो अभी हम भीमताल के लिए जो निकल गए, भीमताल यहाँ से लगभग 26 किलोमीटर्स के आसपास है, अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटे का समय हमें लगना चाहिए पहुँचने में। तो गाइस शाम के बज रहे हैं 5, जस्ट अभी हम लोग भीमताल पहुँचे और हमने होटल ले लिया। एक बार होटल का आपको रिव्यू बता देता हूँ, आपको क्विक एक व्यू दे देता हूँ होटल का। ये होटल मेन रोड पे ही है, लेक बगल में लेक है, और ठीक लेक के बगल में ये होटल है, जस्ट न्यूली बिल्ट होटल है ये। होटल का नाम आप देख लो, मोना ग्रैंड, ठीक है। ये मुझे ग्राउंड का ही रूम मिला है, ये बेडरूम है, वॉशरूम भी क्लीन है। सो गाइस ये होटल मुझे पड़ा है 1500 का, काफ़ी सस्ते में मिला है, मतलब होटल का जो लुक एंड फील वुडन फील के बाद भी आपको 1500 में होटल मिल गया। तो अभी प्लान यही है कि अभी फ़िलहाल थोड़ा सा अपना ऑफलोड अपने आप को करते हैं,
सामान वामान अंदर रखते हैं। उसके बाद शाम हो गई है तो अब तो कुछ एक्टिविटीज़ नहीं कर पाएंगे, तो देखते हैं भीमताल में ऐसे मार्केट में चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या है एक्सप्लोर करने के लिए, आपको दिखाते हैं साथ में।